हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड गैलरी। माई सेल्फ रियन आर्या। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड वंस अगेन आई एम प्रेजेंट विद द सीरीज ऑफ ट्रांसलेशन, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अंग्रेजी में हिंदी का वाक्य बनाना कैसे सीखे, इसी सीरीज को हम लेके आए हैं और आज हम एक्सरसाइज 104 को सॉल्व करेंगे, जो कि बुक ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से है। Already I have uploaded many videos on the base of how to translate into English, and I hope you are getting benefits from my videos. उम्मीद है कि आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 104 को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू एक्सरसाइज 104 वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आधारित है, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पर अपलोड किया था वो नेगेटिव सेंटेंसेस के थे, लेकिन आज का जो एक्सरसाइज 104 है वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पर आधारित है। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का होता है, सबसे पहले हम इज, एम या आर लगाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद भर और आई एन जी, भी वन प्लस आई एन जी का प्रयोग करते हैं। आप बिफोर या फिर सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हैं भर का। अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यदि नॉट का प्रयोग करना है आपको सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, तो आप नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। सबसे पहले मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज कर देना चाहता हूं कि हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहां करते हैं। यदि वर्तमान समय में कोई कार्य प्रगति पर है तो बोलते वक्त यदि वह कार्य चल रहा है तो ऐसे वाक्यों को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का सहारा लेते हैं। दूसरा, यदि वह कार्य उस वक्त अभीष्ट समय में नहीं हो रहा लेकिन आसपास के समय में हो रहा है तो ऐसे सेंटेंसेस को भी व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का सहारा लेते हैं, जैसे वह आजकल फ्रेंच सीख रहा है। तीसरा, कार्य करने के इरादे का बोध कराने के लिए भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का सहारा लिया जाता है, जैसे वह कल एक गाड़ी खरीदने जा रहा है तो इस कार्य में गाड़ी खरीदने के इरादे का बोध होता है, या फिर वह मरने जा रहा है, इस वाक्य में भी मरने जाने के इरादे का बोध हो रहा है। पूर्व नियोजित कार्यक्रम, जैसे कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं या कल मुख्यमंत्री वापस लौट रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस को भी जो पूर्व नियोजित हो, जिसका कार्यक्रम पहले से निर्धारित हो, ऐसे सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज 104 आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। बहुत इजी है, मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे इसे आसानी से बना लेंगे, कर लेंगे। तो इसके लिए आपको इस स्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में एज एम आर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वी फोर का प्रयोग करते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या मैं रो रहा हूं, एम आई वीपिंग। क्या सीता पत्र लिख रही है, इज सीता राइटिंग ए लेटर। क्या आप पढ़ रहे हैं, आर यू रीडिंग। क्या हम लोग स्कूल जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू स्कूल। क्या तुम काम कर रहे हो, आर यू डूइंग वर्क। क्या वह तुम्हारी मदद कर रही है, इज सी हेल्पिंग यू। क्या बच्चे तैर रहे हैं, आर दी चिल्ड्रेन स्विमिंग। क्या तुम हो हल्ला कर रहे हो, आर यू मेकिंग अ नॉइज। क्या तुम तैरना सीख रहे हो, आर यू लर्निंग हाउ टू स्विम। यहां पर हमें ध्यान देना होगा, इस वाक्य में दो भर्व का प्रयोग किया गया, क्या तुम तैरना सीख रहे हो, तो एक मुख्य भर्व है तैरना, सीखना, और दूसरा भर्व है तैरना। तो दूसरा भर्व जो है यहाँ पे इन्फिनेटिव के रूप में टू प्लस स्विम का प्रयोग किया गया है कि क्या तुम तैरना सीख रहे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इस प्रकार से बनाते हैं, आर यू लर्निंग हाउ टू स्विम। अगले सेंटेंस को देखें, क्या हुआ एक पुस्तक खरीदने जा रहा है, इज ही गोइंग टू बाय ए बुक। इस वाक्य में भी टू बाय जो इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग किया गया, जबकि मेल भर यहां पे गोइंग है। अगले सेंटेंस को देखें, क्या तुम एक कार खरीद रहे हो, आर यू बाइंग ए कार। क्या वह कल आ रही है, इज सी कमिंग टुमारो। यहां पर भविष्य में यानी कि आने वाले समय में कोई कार्य व्यापार होने वाला है उसको भी हम इस टेंस के माध्यम से व्यक्त करें, जैसे क्या वह कल आ रही है। क्या मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू दिल्ली टुमारो। इस सेंटेंस में भी फ्यूचर टाइम में कोई काम होने वाला है उसको भी हम इस टेंस के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। क्या मैं नहीं खा रहा हूं, एम आई नॉट ईटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह नहीं सो रहा है, इज ही नॉट स्लीपिंग।
क्या राम नहीं हंस रहा है? इज राम नॉट लाफिंग? कुछ और सेंटेंसेस है, उसको भी देखते हैं जो इसी एक्सरसाइज से है। अगला है, क्या सीता पत्र नहीं लिख रही है? इज सीता नॉट राइटिंग ए लेटर? इज सीता नॉट राइटिंग ए लेटर? अगले सेंटेंस को देखिए, क्या बच्चे शोरगुल नहीं कर रहे हैं? आर द चिल्ड्रेन नॉट मेकिंग अ नॉइस? मेकिंग अ नॉइस मतलब शोरगुल करना, यह एक फ्रेजल वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है मेकिंग ए नॉइस। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप अगले वर्ष नई गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं? आर यू नॉट बाइंग ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर? आर यू नॉट बाइंग ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर? क्या वह पटना में नहीं ठहर रहा है? इज ही नॉट स्टेइंग इन पटना? इज ही नॉट स्टेइंग इन पटना? नेक्स्ट सेंटेंस को लेते हैं, क्या सरकार गरीबों की मदद नहीं कर रही है? इज द गवर्नमेंट नॉट हेल्पिंग द पुअर? ये कुछ सेंटेंसेस है जिसमें नॉट का प्रयोग किया जा रहा है, और नॉट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बात कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे जो सेंटेंसेस अभी कुछ बन रहे हैं इसमें नॉट का, जैसे ये वाला सेंटेंस है, क्या सरकार गरीबों की मदद नहीं कर रही है? इज द गवर्नमेंट नॉट हेल्पिंग द पुअर? इस वाक में हमने सब्जेक्ट गवर्नमेंट के बाद नॉट का प्रयोग किया है। अगले सेंटेंस की, क्या तुम्हारा बेटा स्कूल नहीं जा रहा है? इज योर सन नॉट गोइंग टू स्कूल? यह भी निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ भी सब्जेक्ट जो सन है, सन के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। क्या वह नहीं मरने जा रही है? इज सी नॉट गोइंग टू डाई? इस वाक्य से इरादे का बोध हो रहा है कि कोई काम करने के इरादे का बोध हो रहा है, क्या वह नहीं मरने को जा रही है? क्या तुम्हारा दोस्त शादी नहीं करने जा रहा है? इस वाक से भी इरादे का बोध हो रहा है। इज योर ब्रदर नॉट गोइंग टू मैरी? अगले सेंटेंस को देखिए, क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा है? इज ही नॉट लर्निंग हिज लेसन? क्या प्रधानमंत्री कल नहीं आ रहे हैं? इज द प्राइम मिनिस्टर नॉट कमिंग टुमारो? इस सेंटेंस से आने वाले फ्यूचर में कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम है उसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री कल नहीं आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री या किसी बड़े मंत्री या बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो पहले से डिसाइड कर ले जाते हैं, तो ऐसे वाक्यों को भी हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सरसाइज 104 बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। सभी बच्चों से हम उम्मीद करते हैं कि यदि आपने एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है तो प्लीज़ आप इस वीडियोस को देखकर आप मैच कर लें, मिला लें और अपना करेक्शन कर लें। यदि आपको कोई सजेशंस या फिर एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क टू मी, प्लीज़ गो टू कमेंट बॉक्स एंड आस्क योर क्वेश्चन। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आपसे वापस मिलते हैं।